नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने क्या सबसे बड़ा, सबसे ख़तरनाक और सबसे मौसर सरप्राइज़ तैयार कर लिया है। अब किस हसास तरीन मकाम पर धरना होने वाला है? खान साहब कौन सी ताकतवर शख्सियत के अहम तरीन राज खोलने वाले हैं? इमरान खान को रोकने के लिए कौन सी इंतहाई अहम शख्सियत बनी गाला पहुंची? आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी खबर क्या है और एक वायरल वीडियो की कहानी क्या है? हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बरवक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी इमरान खान साहब ने क्या ख़तरनाक तरीन सरप्राइज़ तैयार कर लिया है और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और हैरान कुन खबर क्या है। सबसे पहले आपको एक फौजी अफसर के मुतल्लिक एक वायरल वीडियो के मनाजर से आगाह करते हैं। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह फैल रही है। इसी वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, यानी ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर 70 लाख से जायद मरतबा देखा जा चुका है। इसी वीडियो को 5 लाख से जायद मरतबा शेयर किया गया है और इस वीडियो पर 3 लाख से जायद मरतबा कमेंट्स किए गए हैं। इस वीडियो के मनाजिर इंतहाई तकलीफ देह हैं और इस वीडियो को देखकर इस वक्त पूरी कौम के जज्बात भड़क रहे हैं। इस वीडियो में जो किरदार नज़र आ रहे हैं उनकी जो एक शफाकियत है उसके मुतल्लिक मुख्तसरन आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि इस वीडियो में एक सफ़ेद रंग की लैंड क्रूजर गाड़ी नज़र आ रही है और ये गाड़ी एक कार का रास्ता रोक कर खड़ी हुई है, जिस तरह से हम बॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं कि कुछ गुंडे किसी कार का रास्ता रोक लेते हैं। ये कार एक तरफ खड़ी है और इसके आगे एक सफ़ेद रंग की लैंड क्रूज़र ने इसका रास्ता रोका हुआ है। उसके बाद सफ़ेद रंग की इस लैंड क्रूज़र से कुछ गुंडे निकलते हैं। इनके हाथ में लोहे के रॉड्स होते हैं और इन लोहे के रॉड्स के ज़रिए ये गुंडे एक कार की विंडस्क्रीन को तोड़ना शुरू कर देते हैं। इन गुंडों के चेहरे इस वीडियो में बिल्कुल साफ नज़र आ रहे हैं और अब इन गुंडों की पहचान भी हो गई है, ये गुंडे पहचाने भी गए हैं। उसके बाद ये गुंडे कार के तमाम शीशे तोड़ देते हैं, यानी फ्रंट स्क्रीन भी तोड़ देते हैं और इसके साथ साथ जो साइड मिरर्स हैं वो भी तोड़ देते हैं और कार के अंदर बैठे हुए एक हाजिर सर्विस फौजी ऑफिसर जो मेजर के रैंक का ऑफिसर है उस पर बदतरीन तशद्दुद करते हैं और उसके बाजू तोड़ देते हैं, उसके कपड़े फाड़ देते हैं। लेकिन पता ये चलता है कि ये जो गुंडे थे ये कोई आम लोग नहीं थे बल्कि ये नून लीग के रहनुमाओं के गार्ड्स थे और इन्होंने नून लीगी रहनुमाओं के कहने पर इस फौजी अफसर पर तशद्दुद किया और अब फौज को देखना चाहिए कि ये किस किस्म की हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान पर मुसल्लत हुई है जो सरेआम अब इस किस्म की गुंडागर्दी भी कर रही है। बहरहाल अब बात करते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और हैरान कुन खबर क्या है। तो मामला ये है कि ये एक ऐसी खबर है जिसके मुतल्लिक मालूमात पहले सामने नहीं आई थी। आप कह सकते हैं कि इन मालूमात को पहले राजदारी में रखा गया था और इसकी बड़ी मखसूस किस्म की वजूहात थी। उस वक्त शायद इन मालूमात को लाना, सामने लाना मुनासिब नहीं था, लेकिन अब ये जो मालूमात हैं ये सामने लाई गई हैं। आला तरीन सतह पर ये मालूमात अब फराहम की गई हैं और अब इस पूरे मामले में दो ऐसे इंकशाफात हैं, दो ऐसे हकायक हैं जो सामने लाए गए हैं और ये दोनों हकायक और दोनों इंकशाफात इससे पहले किसी को मालूम नहीं थे और सामने नहीं आए थे। ये जो खबर है ये असल में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा
और इमरान खान साहब के दरमियान एक मुलाकात के मुतल्लिक है। सबसे अहम ये मुलाकात थी, सबसे कलीदी नोयत की मुलाकात थी और इसी मुलाकात में DGISI जनरल नदीम अंजुम भी मौजूद थे और इस मुलाकात की अब आला तरीन फौजी सतह पर भी तस्दीक की गई है। यानी आला तरीन फौजी सतह पर अब बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया है कि हाँ ये मुलाकात हुई थी, इस मुलाकात का एजेंडा भी बहुत अहम था और एक नुकाती एजेंडा था इस अहम तरीन मुलाकात का। अब इस मुलाकात के हवाले से खुद DG ISPR ने एक तहलका खेज बयान दे दिया है और DG ISPR का कहना है कि जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DG ISI जनरल नदीम अंजुम की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई तो उस वक्त टेबल पर कुछ ऑप्शंस मौजूद थे, कुछ ऑप्शंस रखे गए थे और उस वक्त खान साहब ने इन तीन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन यानी 3 माह के अंदर इलेक्शन पर रजामंदी भी जाहिर की थी। लेकिन यहां से मामले ने एक पुरसरार रुख अख्तियार किया और वो इस तरह कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ऑपोजिशन के रहनुमाओं से भी फिर मुलाकात हुई। यानी जब इमरान खान साहब ने 3 माह के अंदर इलेक्शन पर रजामंदी जाहिर कर दी, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इमरान खान साहब के हाथ से उठे और वो जाकर पहुंचे ऑपोजिशन रहनुमाओं के पास। वहां उन्होंने ऑपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात की और उन्हें 3 माह में इलेक्शन करवाने का पैगाम भिजवाया। लेकिन जाहिर है कि ऑपोजिशन ने उस वक्त ये बात मानने से इनकार कर दिया और वो किस तरीके से ये बात मान सकते थे, क्योंकि जानने वाले जानते हैं कि उनके पीछे एक बैरूनी कुव्वत भी थी, कुछ अंदरूनी सहूलतकार भी थे। इस वजह से ऑपोजिशन ने इनकार कर दिया। लेकिन यहाँ फौज के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम खबर और भी है और ये जो खबर है ये असल में इमरान खान साहब के मुतल्लिक है, क्योंकि बहुत ही हसास नोयत की जो इतलात हैं वो खान साहब की ज़िंदगी के हवाले से सामने आ रही थी और इस तरह की इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन थी कि खान साहब की जान को ख़तरा हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जो बैरूनी कुव्वतें हैं उनके मफादात को ललकारा है। तो इस मामले पर भी फौज ने अब पहली मरतबा रिएक्ट किया है, पहली मरतबा आला तरीन सतह पर रद्द अमल दिया है और DG ISPR ने इस मामले पर ये बात कही है और ये अल्फाज बोले हैं कि जनरल बाजवा से पर्सनल लेवल पर भी इमरान खान साहब के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और फौज की जानिब से खान साहब को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर अहम तरीन नुक्ता यह है कि फौज के अंदर इस वक्त ऊपर से नीचे तक इमरान खान साहब सबसे मकबूल रहनुमा हैं और इसका इजहार खुद जो रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं, चाहे वो आला तरीन सतह पर रिटायर होने वाले फौजी अफसरान हो, चाहे वो नस्बता निचली सतह पर रिटायर होने वाले फौजी मुलाजमीन हो और फौजी अफसरान हो, सिपाही हो, वो इस वक्त सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर इस इम्पोर्टेड हुकूमत की मजम्मत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक करप्ट हुकूमत को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है बैरूनी साजिश के नतीजे में। लेकिन यहाँ एक तहलका खेज खबर और भी है और ये जो खबर है, इस खबर में आपको बताएं कि DG ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इस पर PTI ने एक पहला और तहलका खेज किस्म का रद्द अमल दिया है और बहुत ही एक खौफनाक किस्म का इंकशाफ भी किया है। यानी DG ISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो 4 अहम तरीन नुकात बयान किए थे, जो 4 इंकशाफात किए थे, अब इस मामले पर PTI का हाईएस्ट लेवल पर आला तरीन सतह पर रद्द अमल आया है और कुछ जवाबी इंकशाफात भी किए गए हैं। इन इंकशाफात के मुतल्लिक भी आपको बताते हैं और मुख्तसरन आपको ये भी बताते हैं कि बनी गाला में इसी पूरी सूरत हाल में क्या सनसनीखेज किस्म की हैपनिंग हुई है। तो मामला ये है कि बनी गाला में एक अहम शख्सियत पहुंची और ये शख्सियत एक ऐसे वक्त में पहुंची जब खान साहब ने एक तारीखी जलसा किया पेशावर में और जिस तरह से लोग बाहर आए
पेशावर के जलसे में भी और इससे पहले आज खुद भी जब हुकूमत गिराई गई तो लोगों ने जिस किस्म का एहतजाज किया और फिर इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर जो हैशटैग और जो ट्रेंड ट्विटर पर चल रहा है जिस पर 85 लाख से जायद लोगों ने ट्वीट्स किए हैं, इससे अब जाहिर है कि जहां शहबाज शरीफ तपिश महसूस कर रहे हैं वहां पाकिस्तान के जो ताकतवर हलके हैं वो भी खासी हीट फील कर रहे हैं कि ये क्या हो गया है और किस तरीके से एक आवाम ने हकीकी आज़ादी का सफ़र शुरू कर दिया है। अब इस पूरी सूरत हाल में आप ये कह सकते हैं कि कुछ इंतहाई अहम शख्सियात बनी गाला पहुँची और इमरान खान साहब का जो टेबल है आप अलामती तौर पर कह सकते हैं कि उस टेबल पर कुछ ऑप्शन रखे गए। एक तरफ टेबल के खान साहब थे, एक तरफ ये जो शख्सियात पहुँची टेबल के दूसरी तरफ थी और कुछ बहुत ही अहम नौयत के ऑप्शंस पर गुफ्तगू हुई, क्योंकि खान साहब की जो इस वक्त टोन है वो बड़ी लाउड है, बहुत क्लियर है और वो इस मूड में नज़र आते हैं कि वो इस आज़ादी की जंग को हर सूरत बिला खौफ व ख़तर मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो इस पूरी सूरत हाल में खान साहब के सामने जो ऑप्शन रखे गए उनमें से कोई एक ऑप्शन भी ऐसा नहीं था जो कि खान साहब के लिए काबिल कबूल होता। अगर खान साहब की जगह कोई और लीडर होता तो उनमें से एक ऑप्शन को कम से कम वो ज़रूर कबूल कर लेता, लेकिन खान साहब को मशवरा ये दिया गया उनके कुछ खैरखाओं की जानिब से कि आप अपनी जो टोन है जलसों में उनको नरम कर लें, यानी जितने ख़तरनाक आप अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना करें। इसके साथ साथ कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों वाला जो मामला है आप उस पर नज़रसानी करें और इस्तीफ़े वापस ले लें, इससे आपके हरीफों में कमी होगी और आपको आगे चलकर सियासी तौर पर कंपनसेशन भी मिल जाएगी, सियासी तौर पर फ़ायदा भी हो जाएगा। लेकिन खान साहब ने इन तमाम ऑप्शंस को कबूल करने से इनकार कर दिया, वो डट गए हैं कि वो हर सूरत जलसे भी करेंगे। जो ये साजिश हुई है बैरूनी और साथ अंदरूनी, इस साजिश का पोल भी खोलेंगे, लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि DG ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस पर PTI का तहलका खेज रद्द अमल आया है, बहुत ही हैरान कुन किस्म का रद्द अमल आया है। कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि PTI की जानिब से इस किस्म का रद्द अमल आएगा। तो इस रद्द अमल के तीन हिस्से हैं, तीन नुकात हैं, ये तीनों नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं क्योंकि अमूमन होता ये है कि फौज की जानिब से जब इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए तो उसके बाद जो मुतलका जमात होती है वो इस तरह का रद्द अमल नहीं देती, लेकिन PTI ने हैरान करके रख दिया है सबको इस किस्म का रद्द अमल देकर। एक तो इस रद्द अमल में ये कहा गया कि इमरान खान बहुत जल्द एक बहुत बड़ी कॉल देने वाले हैं, बड़े मानी खेज अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि इमरान खान जल्द एक बहुत बड़ी कॉल देने वाले हैं, एक महीने के अंदर सारी चीज़ें खुलने वाली हैं, सारी चीज़ें आम होने वाली हैं कि कौन कौन इस साजिश में मुलव्वज़ था। इन अल्फाज पर गौर करें कि एक महीने के अंदर सारी चीज़ें खोली जाने वाली हैं कि कौन कौन इस साजिश में मुलव्वज़ था और जिस तरह से इमरान खान साहब को रुख्सत किया गया बच्चे बच्चे को पता चल जाएगा कि असल में हुआ क्या था और कौन कौन से किरदार शामिल थे। ये ऑफिशियल रद्द अमल का पहला नुक्ता है। जो दूसरा नुक्ता है वो ये कहा गया कि जब चीज़ें ठंडी हो रही थी तो DG ISPR जनरल बाबर इफ्तखार ने नया कट्टा खोल दिया, ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि जनरल बाबर इफ्तखार ने जब चीज़ें ठंडी हो रही थी तो नया कट्टा खोल दिया और उन्हें इस वक्त मौजूदा बहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद जो तीसरा नुक्ता था वो ये था कि खान साहब जो हैं किसी भी सूरत अपने जलसे नहीं रोकने वाले, कभी भी वो अपने जलसे नहीं रोकेंगे, अल्फाज ये इस्तेमाल किए गए कि रोक सको तो रोक लो। चौथा नुक्ता ये था कि DG ISPR ने जो ऐलान किया
कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ना एक्सटेंशन लेंगे और ना ही वो इस किस्म का इरादा रखते हैं और 29 नवंबर 2022 को अपना एक्सटेंडेड टेन्योर यानी दूसरी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने के बाद वो घर चले जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। तो इस पर अब रद्द अमल ये आया कि आर्मी चीफ का एक्सटेंशन ना लेने का फैसला दुरुस्त है और अब हालात भी एक्सटेंशन वाले नहीं हैं। ये अल्फाज बोले गए कि अब हालात भी एक्सटेंशन वाले नहीं हैं और ये रद्द अमल शेख रशीद अहमद ने टीवी स्क्रीन्स के ऊपर बाकायदा कैमरों के सामने दिया। लेकिन यहाँ इसी रद्द अमल का एक बहुत अहम हिस्सा और भी था और ये जो रद्द अमल आया ये खान साहब के साथ मशावरत के बाद आया, यानी खान साहब को ऑन बोर्ड लिया गया कि डीजी आईएसपीआर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और असल में तो डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान साहब के मौकफ की मुकम्मल हमायत है क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में ये लिखा हुआ था कि एक खुलेआम पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत की गई, ये मदाखलत किसी भी सूरत काबले बर्दाश्त नहीं। और डीजी आईएसपीआर ने भी ये कह दिया कि हमने जो अमरीकी नाज़मुल अमूर को तलब करके एहतजाज करने का फ़ैसला किया था वो इसी वजह से किया था कि हमारे अंदरूनी मामलात में मदाखलत की गई थी। दूसरे अल्फाज में उन्होंने तस्दीक कर दी कि इस हुकूमत के खिलाफ एक साजिश हुई थी और बैरूनी मदाखलत का जो मामला है असल में ये एक साजिश ही है। अब इस पूरी सूरत हाल में फवाद चौधरी जो कि इस वक्त पीटीआई के मेन मरकजी स्पोक्स पर्सन है, मरकजी तर्जमान है, उन्होंने खान साहब की मशावरत से डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल दिया है और उनका ये कहना है कि पाक फौज के तर्जमान ने अपनी पोजीशन वाजे कर दी है, उनकी जो पोजीशन है वो इसी किस्म की होनी चाहिए थी और कौमी सलामती कमेटी यानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो एलामिया था उसमें जिस मदाखलत का जिक्र किया गया था डीजी आईएसपीआर ने उसकी तस्दीक कर दी है और इसकी तहकीकात की ज़रूरत है कि साजिश के मकामी सहूलतकार कौन थे, यानी एक बैरूनी साजिश हुई इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए कि मकामी सहूलतकार कौन थे और ये सब कुछ एक ताकतवर कमीशन तहकीकात के बाद ही वाज़े कर सकता है। इसलिए हमारा मुतालबा ये है कि एक ताकतवर कमीशन बनाया जाए जो तहकीकात करे कि बैरूनी किरदार कौन थे और इस साजिश के अंदरूनी किरदार कौन थे। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।